हेलो फ्रेंड्स, यूके टूरिस्ट वीज़ा अपडेट्स आपके लिए लेके आई हूँ। जी बिल्कुल, एक खुशखबरी है और ये है कि इंडिया रेड लिस्ट से बाहर होकर एम्बर लिस्ट में हो गया। मतलब कहने का ये है कि आप यूके टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी वीज़ा की। पहले भी अप्लाई हो रहे थे टूरिस्ट वीज़ा यूके के, पर जो आपका रिज़ल्ट था वो होल्ड पे जा रहा था। पर अब आप यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बात आती है ट्रैवल की। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, 8 अगस्त से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास यूके का टूरिस्ट वीज़ा है तो आप घूमने जा सकते हैं, और जिनका वीज़ा आ जाता है वो भी घूमने जा सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए प्रॉपरली, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अब वहाँ जाके बारी आती है क्वारंटीन की। पहले भी 10 दिन का क्वारंटीन था, जिसमें के जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स थे वहाँ पे जाके आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ रहा था, और उसका खर्चा था स्टार्स जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पर इससे आपको राहत मिल गई है, आपने 10 दिन का क्वारंटीन अब ज़रूर करना है, पर वो आप सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, चाहे वो अपने रिलेटिव के घर कर लें या अपने किसी दोस्त के घर तो आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी होटल में भी कर सकते हैं जो आपके बजट में है। और एक चीज़ और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन का क्वारंटीन आप नहीं करना चाहते हैं, तो 5 दिन का क्वारंटीन करने के बाद आप 5वें दिन अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप आराम से यूके घूम सकते हैं। सो मैं आपको एक बात ज़रूर क्लियर कर दूं कि अगर आपने घूमने जाना है यूके, तो अपने दिमाग में सिर्फ 7 दिन घूमने के मत लेकर चलें, 10 दिन क्वारंटीन के भी ऐड करें। मतलब टोटल 17 दिन का आपका खर्चा जो है वो आप पहले से प्लान करके जाएं। चाहे अगर आप होटल में रह रहे हैं तो 17 दिन की आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, और वो कितना खर्चा आएगा वो पहले से ही प्लान आपको करना पड़ेगा। अगर आपके बजट में है तो ही आप जाएं। आपको लग रहा है कि आपका बैंक बैलेंस उतना मेंटेन नहीं है तो आप वीज़ा ना अप्लाई करें। बिल्कुल सही बात कह रही हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल मेंटेन नहीं है तो आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ना करें। सो वीज़ा, आप हिंदी को ऐसे ही प्यार देते रहें। शुक्रिया।